ये पूरा चोर बाजार के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ से आएगी ट्रेन तो हमें वहाँ से बैठना है और रात के 1:01 तो कैसे हो? तो हम आ गए इस होटल में, रूम लिया तो हमें घूमना ही था। देखिए जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ आ सकते हैं मीनार। गाइस अब पहुँच आए हैं रेड फोर्ट के बाहर और ये देख लीजिए जी मार्केट का व्यू देखिए आप इस साइड से भी। हम मशहूर अपने भाई के पास पहुँच। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग के साथ कश्मीर टू हैदराबाद सीरीज के दूसरे व्लॉग के साथ। तो अभी हम पहुंच हरवार रेलवे स्टेशन, ये शाम के 7 बज रहे हैं, 7:30 हमारी ट्रेन है यहाँ से, तो 7:30 हम यहाँ से निकल जाएंगे। देन उसके बाद हम दिल्ली पहुंचना है तो वो सवेरे पहुंच जाएंगे। शेयर करना दूसरे इस सीरीज के दूसरे पार्ट को शेयर करना और होप आप ये व्लॉग देखोगे, शेयर करोगे, सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देख सकते हो ये ट्रेन है तो हम पर हमारा ट्रैक वो है, वहाँ से आएगी ट्रेन तो हमें वहाँ से बैठना है। तो अभी ये ट्रेन निकलेगी देन उसके बाद 7:30 हमारी ट्रेन आएगी। तो ये सभी कोई स्नैप बना रहा है, कोई क्या रील बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये सभी अपना सामान है, सभी बंदे अपने यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है ना यहाँ पे ट्रैक पे अब इतने 22 लड़के होने के बावजूद यहाँ पे हमें कोई स्पेशल जगह तो मिलेगी नहीं, तो अपने ये सभी भाई आ गए। तो बहुत अच्छा सफ़र अभी तक का जा रहा है यार, कल सवेरे तक हम 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो फयाज भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है अपना टूर? देखे बैट भी साथ लेके जा रहे हैं, हैदराबाद में क्रिकेट भी खेलना है। ये हमारे यासिर भाई है, यासिर भाई कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा, थैंक यू। यासिर भाई का मूड इस टाइम बहुत सेट है तो अपने अंदाज में। तो आ गए ट्रेन में, तो जब हम ट्रेन में बैठ रहे थे तो तब मौका नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो अभी आ गए। ये अपना स्लीपर है, अपने बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो गाइस ये सभी अपने बंदे रहे, ठीक है, फयाज भाई और वगैरह सभी। एक सीट अपनी ये रही नीचे वाली और ये ऊपर वाली दो, और अपनी एक वो थी वो एक्सचेंज करके एक बंदा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक नीचे है, और एक ये 4-5 सीटें हमारी यहाँ पे हमारे ग्रुप के, और एक बंदा आ गया और दूसरे स्लीपर में कोई किस्में, तो ये हमारे सभी स्लीपर्स आ गए। तो अब शूट करने का और कोई मौका मिलेगा नहीं, अंधेरा है, सब कुछ है, बाहर खिड़की वगैरह खोल नहीं सकते क्योंकि सर्दी बहुत है। तो गाइस तो रात के 1:01 हो गए, तो अभी हम पहुँचे हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है बढ़िया वाला, तो नींद वींद तो नहीं आ रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अभी मेरे साथ बाहर आए हैं यासिर भाई, फयाज भाई आए हैं और कुछ बंदे सोए हुए हैं। ये हमारा ये एक बंदा सोया हुआ है और कुछ ये नीचे हैं, ये इधर आरिफ वगैरह सभी नीचे। बहुत बढ़िया मज़ा आया यार। तो गाइस ऐसे छोटी छोटी क्लिप बनाते रहेंगे आपके लिए। एक बार चाय पी ली है, अभी 10 मिनट ट्रेन और रुकेगी तो हमने सोचा एक और चाय कर लें, तो चाय पीते हो, 1/2 लगा दे, पूरी नहीं पीनी होगी। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 6, वो कुछ नहीं धोया, उनका बुरा हाल हुआ है, तो अभी मैं यहाँ का थोड़ा बताऊँगा। तो अब हमें उतरना है, तो अब उतरेंगे तो फिर नीचे से भी दिखाऊंगा थोड़ा। तो लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली पे हम पहुंच आए हैं, ये रहेगी अपनी वाली ट्रेन और ये जो कि उधर जा रही है जम्मू वाली साइड में, ये अपने कुछ बंदे कुछ उस साइड हैं। तो अब इस लिफ्ट से हमें क्रॉस होकर उस साइड में जाना है, देन उसके बाद टैक्सी वगैरह कुछ भी लेना है, तो हमने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, होटल पर पहुँचना है। तो सामान वामान रख के तो फिर दिन भर घूमना है, जो मर्ज़ी करना है, तो अब वहाँ पहुँच के व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। कैसे हो? ओह तो सक्सेसफुली सभी पहुंच आए, कुछ हमारे बंदे वहाँ पीछे बैठे हुए हैं तो चाय वाय पी, और ये कोई स्नैप बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया दानिश, और कैसे पहुंचे, कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो बहुत ख़राब रहा, रात को आज रात को नींद भी नहीं की। वो बात है यार, नींद तो नहीं की, मतलब एंजॉय किया यार एक तरह से, तो नींद भी आई भी नहीं, सर्दी भी थी, तो काफ़ी मतलब 2-4 होकर पहुँचना पड़ा, पर यही है लाइफ में जब तक झटके ना खाएँ तो मज़ा भी नहीं है। तो अब निकलेंगे, ट्रेन का ड्राइवर था वो भी अंडरएज था सारा, बार बार झटके मार रहा था बड़े पंचर होते हैं। तो अब हमें जाना है रेड फोर्ट, देन उसके बाद जामा मस्जिद भी शायद जाएंगे, तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो अब इस व्लॉग में मैं आपको वो दिखाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट करना, शेयर करना। तो गाइस मैं सबसे लास्ट में बैठा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, सभी बंदे बैठ गए हमारे इस मेट्रो जैसी बस में, इलेक्ट्रिक बस में, और यहाँ से कमला चौक का थोड़ा सा व्यू आप देखिए, तो कुछ ऐसा व्यू है इस साइड से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। सुबह सुबह है अभी 8:30-9 बजने वाले हैं, तो कुछ ऐसा सीन है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेलवे की तरफ, तो यहाँ पे अंदर पीछे आप बैक कैमरे से दिखाऊँगा, खाने खाना रहीम खान का तोम किला है यहाँ पे अंदर, तो वहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हमें, तो
तो अब चल रहे हैं, सभी बंदे पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइन में सभी आ रहे हैं, कुछ यहाँ आगे चल। गाइस अब पहुँच आए हैं हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। तो अब हमें यहाँ से जाना है सीधा आगे, थोड़ा सा रह गया तो बस हमें रेलवे पे जाना है हमारी आज। तो गाइस पहुँच आए हैं हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये हमारे दो बंदे आ रहे हैं और अंदर चले गए हैं और कुछ ये यहाँ खड़े हुए हैं। तो वो ऐसा है कुछ यहाँ का फ्रंट और ये बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। ये एंट्रेंस है यहाँ की तो बहुत बढ़िया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टैचू बना के रखा है। तो हम आ गए हैं इस होटल में, आप पास करके बढ़ सकते हो। ये दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साथ ही थोड़ा बाहर आ गया है। तो अब यहाँ पे हमने रूम लिया तो हमें घूमना ही था, सिर्फ हमने यहाँ पे रहना नहीं है क्योंकि नाइट को हमारी ट्रेन है। तो हमने ये सामान रखना था तो सामान यहाँ पे रख दिया, सभी बंदे तैयार हो गए। तो अभी हमें निकलना है, घूमने जाना है। जाओ भाई लोगों, सभी आ जाओ। तो अब जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो आपको आगे दिखाएंगे। सो गाइस, तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं और खाना वाना सब कुछ खा लिया है। जैसे हमें रेड फोर्ट जाना है, फिर जामा मस्जिद और चोर बाज़ार और फिर लोकल जहाँ पे जाना है, मतलब जो भी देखने की जगह होगी लोकल घूमेंगे। तो अभी सभी देख सकते हो यहाँ पे रिक्शा बुक किया है। एक ये सामने चल रहा है, उसमें हमारे चार बंदे और हम पांच बंदे हैं इसमें। तो अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट, देन उसके बाद जाएंगे जामा मस्जिद। जो भी होगा तो वो हम वहाँ को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में, तो बने रहिए। अच्छा अच्छा, गाइस सिटी व्यू देखिए आप यहाँ का। गाइस हम पहुँच आए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सीधा आ गया है लाल किला, रेड फोर्ट। गाइस हम पहुँच आए हैं रेड फोर्ट के बाहर, पहुँच आए हैं हम रेड फोर्ट के सामने। और ये सामने यहाँ से चोर बाज़ार जामा मस्जिद, नीचे जामा मस्जिद तक है, फिर अंदर उस साइड पीछे वाली साइड चांदनी चौक है। और ये दे आपके सामने रेड फोर्ट, और देख सकते हैं आप रेड फोर्ट पूरा चेक कर सकते हो। गाइस देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, कोई लोकल कोई बाहर से कोई कहाँ से। ये अपने बंदे हमारे चरने आगे आगे। गाइस प्लीज इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। सो गाइस तो पहुँचा है मैं मस्जिद दिल्ली। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अब तो मैं बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। हम रेड फोर्ट के उसके बाद चोर बाजार, फिर इधर उधर घूमे, अब जामा मस्जिद आ गए हैं। और यहाँ पूरा जामा मस्जिद का गेट, यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये देखिए जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, तो ये आप देख सकते हैं मीनार। ओए होए होए, मैं तो अब ऊपर जा रहा हूँ। कोई बोल रहा है मुझे लाओ व्लॉग में कोई काम। तो ये सभी बंदे देख सकते हैं आप, और ये एंट्रेंस रही हमारी जामा मस्जिद की, पीछे वाला व्यू भी दिखाई। और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ओह 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 कितनी भीड़ है यार, यार कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। आप पूरा देख सकते हो वहाँ नीचे आगे तक जो ये लाइन दिख रही है। और ये पूरा आप यहाँ का मार्केट देख सकते हो इस दीवार के आगे, यहाँ से इस साइड पूरा मार्केट, वो जहाँ बिल्डिंग के वहाँ पूरा, ये पूरा चोर बाजार के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ से इस साइड ये बैठने 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 के लिए ये एरिया, रेस्ट एरिया। और ये इसकी वाल दीवार काम लगा हुआ है आजकल काफ़ी, सभी लोग आके बैठते हैं, बहुत अच्छा सुकून आता है। तो ये तो आप फोर्ट देख सकते हैं, मीनार देख सकते हैं। हम पहुँच आए हैं जामा मस्जिद के अंदर, ये एंट्रेंस रही और ये पूरी दीवार, और ये बीच में आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो भाई मीनार आप। ये आगे का किबला इसी तरफ है और ये फ्रंट है आगे मस्जिद का, ये आप देख सकते हो सूरज आ रहा है ना। और ये बीच में पानी देखिए भाई कितना अच्छा है, फवारा चलाते हैं यहाँ पे, अभी नहीं चल रहा है, पानी बहुत अच्छा है। ये बंदे खड़े हुए हैं सभी हमारे, और ये भी बहुत सारे टूरिस्ट। भाई कितनी अच्छी जगह है यार, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए ना, यहाँ पे आके अलग ही सुकून मिला अभी। पर एक बात यहाँ की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे कपल आ रहे हैं अनमैरिड, पता नहीं किस टाइप की पिक्स ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब ये अब मस्जिद है ना, तो जो नहीं होना चाहिए था तो वो हो रहा है। तो गाइस अब यहाँ से हम निकल जाएंगे, और आज के व्लॉग में मैंने आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की, जैसे कि हम वहाँ से आए फिर रूम वगैरह बहुत कुछ दिखाया। तो होप आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड व्लॉग को शेयर करोगे। इस टाइम हम जा रहे हैं जामा मस्जिद से निकलते ही सीधा फ्रंट पे आ गए, मटिया महल मार्केट में आए, और अब हम जा रहे हैं शरबत मोहब्बत पीने जा रहे हैं, जो कि मशहूर है, यूट्यूब पर भी हर कोई देखता है उसे। इसका व्यू देखिए आप इस साइड से भी, आगे वो जामा मस्जिद का मीनार भी देखिए। तो अब वो शरबत पियेंगे, तो अब मिलते हैं वहाँ पे।
तो गाइस पहुंचा है हम इस पॉइंट पे शरबत मोहब्बत, हम मशहूर अपने भाई के पास पहुंचा है, देख सकते ये यूट्यूब पे भी इनका जो भी है ये आप देख सकते हैं इन्हें शरबत मोहब्बत भाई के पास आए हैं। देखो क्या लजीज शरबत मोहब्बत, आज देख सकते हो गाइस, देख सकते हो क्या मजा है भाई, बोलिए कैसा है भाई रिव्यू, एकदम बढ़िया भाई। आपका नाम क्या है? अरशद मलिक। अच्छा अरशद भाई, हम आपको श्रीनगर से देख कर आए हैं यार, हम हर दिन देखते थे और जब यहाँ पे आए ओए हो क्या, थोड़ा रिव्यू दे दिए पीकर एकदम मजा। ओए होए होए यार बढ़िया, बहुत बढ़िया।